हम लोगों को अन्याय हुआ है, ये पूरा इनजस्टिस हुआ है मेरे क्षेत्र में। एक 3 साल की बच्ची गुजर गई है, वो भी लॉकअप डेथ हुआ है, ठीक है। इसके जिम्मेदार वहाँ के PSI हैं। मैंने PSI से भी बात भी किया था और बोला भी था कि किसी भी हालत में वो जो छोटे बच्चे हैं और लेडीज़ को अंदर मत डालो, मगर यहाँ पर तो पूरा पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसी हिसाब से जो हमारे पार्टी के जो लोग थे उनके ऊपर हाफ मर्डर केस डाले हैं, नॉन बेलेबल केस डाले हैं, वही उनके पार्टी के लोगों को, बाकी के जो पार्टी के लोगों को है उनके ऊपर बेलेबल ऑफेंस डाल के उनको अंदर नहीं डाले। तो कल डेथ हुआ है, तो हम सब लोगों को अब बात कर रहे हैं, हम सब लोगों का यही आग्रह है कि किसी भी हालत में वो जो PSI है उसको सस्पेंड करना है, पेंडिंग इंक्वायरी करना है। तब तक जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और वो जो छोटी बच्ची की फैमिली है उसको कम से कम 25 लाख सरकार से एक परिहार देना चाहिए और जो केसेस उनके ऊपर है सब विड्रॉ करना चाहिए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में इतिहास में पहली बार ऐसा डिसीजन पुलिस वाले ने लिए सो है। ये पुलिस वाले उनका गलती है, सीधा सीधा है, क्योंकि ये झगड़ा होने के बाद 30 तारीख रात में झगड़ा होने के बाद अरेस्ट करना, दोनों तरफ केस हो गए, दोनों तरफ इंजर्ड है, दोनों तरफ हॉस्पिटल में एडमिट है, सब कुछ जेल भेजना, उधर भी भेजना, इधर भी भेजना था, वैसा वो PSI ने नहीं करा। खाली एक तरफ कांग्रेस मेंबरशिप अभ्यर्थी लोगों को 10 लोगों को भेजे, 10 लोगों के अंदर एक 3 साल का बच्ची को भेजे। गवर्नमेंट संविधान में 3 बच्चों को भेजे, संविधान में 6 साल के ऊपर है सो बच्चे को जेल को भेजना, 6 साल के अंदर है सो बच्चे को नहीं भेजना, ये ऊपर ही साबित होता है ये गलत करे हैं। हम टिप्पणप्पा कमकनूर डॉक्टर अजय सिंह बोलने के बाद कल हमारे अजय सिंह ने कमिश्नर को बात करे, आईजी से बात करने के बाद हम सब लोग मिलके जाते थे, सब पार्टी वाले मिलके, सब लोग मिलके उसको मेमोरम दिए, ये ऊपर के साबित होता 3 साल बच्चे को नहीं भेजना था, भेजे, ये नंबर वन गलती है। ऊपर FIR है उसके ऊपर दाखिल होते, 3 साल के बच्चे को ऊपर FIR दाखिल होना बोले तो उसके बराबर उसका गलती है PSI का, और क्या है, ये ढूंढने का काम क्या है, ढूंढने का काम जरूरत नहीं है, ऊपर ही साबित है उन्होंने गलत किए हैं। 6 साल तक अंदर नहीं भेजना, 6 साल के अंदर जो 3 साल का बच्चे को, 3 बच्चे को अंदर भेजे है, ये गलत है। अभी टाइम लेते 2 घंटा होना, 4 घंटा होना, 2 दिन, ये नहीं है, इमिडिएट साबित होता ही ये इन्होंने गलत काम करे, इसके ऊपर उनको सस्पेंड करना। जब तक सस्पेंड नहीं होता ये लोग उठने वाले नहीं हैं। कल से अलग स्ट्राइक होता, बहुत हंगामा होता, बहुत गलत होता, इमिडिएट उसको सस्पेंड करना, ये डिमांड है सब लोगों का, पूरे पक्षातीत है, सब जात का मिल के जात्यातीत है, पक्षातीत स्ट्राइक है, इसको ऐसा नहीं छोड़ना, इमिडिएट डिसीजन लेके सस्पेंड करना उसको। ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಕರೇ ಭಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಸುಗೂಸು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಮಗಳು ಅವಳು, ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅದು ಒಂದು ಆ ಮಗು ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ಒಂದು ಲಾ ಅನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಗೆ ಇದೊಂದು ಲಾ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯನು ಅವ್ರ ಬಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೇವರ್ಗಿ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಸುಗುಸಿನ ಒಂದು ಮರಣ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತೀರಿ, ಸರ್ಕಾರ ತಗೋತೀರಾ, ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಗೋತೀರಾ, ಹಾಗೂ ಆ ಊರಿನ ಯಾರು ನೀವೇನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಜನ ತಗೋತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬರೀ ಅವರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕರೂ ಇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಲಾ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾರ್ನೆ ಕಿ ವಜಹ ಸೆ ದೂಸರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿತನೆ ಕಿ ವಜಹ ಸೆ ಯೇ ಲೋಗ್ ಘುಸ್ ಕರ್ ಉಸ್ಕೊ ಮಾರಾ ಗಯಾ, ಮಾರಾ ಜಾನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಉನ್ಕೆ ಊಪರ್ ಕೇಸ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ, ಕೇಸ್ ಐಸಾ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ
औरतों के ऊपर, चार पांच औरतों के ऊपर, उनके पूरे घर वालों के ऊपर, और 3 साल की एक बच्ची और 1.5 साल के बच्ची के ऊपर केस किया गया है। ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग, कर उनकी उनकी माँ को बच्ची के सामने मारा गया है, इतना मारा गया, गलती से बच्ची को भी मार लगा है वहाँ पर। मार लगने के बाद बच्ची को डायरेक्ट हॉस्पिटल को लाया गया है, बच्ची रात भर यहाँ हॉस्पिटल में तड़पती रही और सुबह में बच्ची का इंतकाल हुआ है। बच्ची मरने के बाद हमारे यहाँ के जो युवा नेता है, जो गवर्नमेंट के चीफ व्हिप है, जवरगी के MLA है, अजय सिंह साहब यहाँ आकर जब पूछ रहे हैं, जब PSI से बात कर रहे हैं, तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनको SP को बोल रहे हैं सस्पेंड, इमीडिएट सस्पेंड करो उसको, तो वो लोग ये SP ये बोल रही है कि हम उसको सस्पेंड नहीं करेंगे। पिछले पाँच घंटे से हम लोग यहाँ पर चिप्स हॉस्पिटल के सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्ट्राइक कर रोड बंद कर चुके हैं, मगर उनके कान में जू नहीं रेंग रही है। ये BJP की सरकार जब से आई है, जब से ऐसी कर रही है। आज हम यहाँ से, हमारे लीडर अजय सिंह साहब ने कहा है, अगर वो बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं, जब तक वो बच्ची का जो कातिल है PSI सस्पेंड नहीं होगा, डिसमिस नहीं होगा, तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। पूरी रात होने दो, पूरी सुबह होने दो, बच्ची की लाश यहीं पर है, बच्ची की लाश यहाँ पर इसमें रखा गया है एम्बुलेंस में, आप देख सकते हैं। तो अभी DC मैडम आए थे, DC मैडम आकर अजय सिंह साहब को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि बच्ची की माँ को पेरोल दिया गया है, बच्ची को माँ को ये बच्ची को बताना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, बच्ची को मरने के बाद उसकी माँ को बताना चाह रहे हो आप लोग, बच्ची जब जिंदा थी जब क्या कर सकते आप लोग। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप इमीडिएट सस्पेंड नहीं करेंगे तो हम पूरी रात पूरा दिन यही बैठेंगे, यही हमारा कहना है। तो DC मैडम ने 5 मिनट का टाइम लिया है, देखते हैं 5 मिनट में क्या होता है। जेवरगी की लड़की जो 3 साल की है, उसका जो डेथ हुआ है, उसके लिए हम लोग सब यहाँ पे स्ट्राइक बैठे हैं। PSI को सस्पेंड करना हमारा डिमांड है, पहला डिमांड तो ये है। छोटी बच्ची को पहले तो जेल भेज डालनी चाहिए था ये लोग, और पुलिस होती है प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक की, और ये तो उल्टा जान ले रहे बच्चों की, छोटे छोटे मासूम बच्चों की, और ये तो खिलाफ है। आप ये लोग जो पुलिस वाले किए हैं, और हमारा डिमांड है कि जब हम लोग यहाँ जाके बैठे हुए हैं, कोई आके पूछने वाला नहीं है हमारे को, इसलिए आना चाहिए था SP मैडम को, उनको सबको आना चाहिए था यहाँ पे आके हमसे बात करते, हमारे को जरा इंसाफ मिलता तो ही हम यहाँ से उठेंगे। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलता, 3 साल की बच्ची को भी यहाँ रखे हुए हैं गाड़ी में, तो हम जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। अभी तक ये गुलबर्गा SP को, कुछ IG को, और ये हमारा कर्नाटक स्टेट होम मिनिस्टर को कुछ भी इसका कुछ मतलब नहीं हो रहा। इसके वजह से हम लोग कालबुर्गी सिटी में सही कर रहे थे, अभी ऐसा हो जाएगा अभी जेवरगी का हाईवे बंद हो जाएगा, चितापुर का हाईवे बंद हो जाएगा, और आरान तालुका का हाईवे बंद हो जाएगा, अफजलपुर का हाईवे बंद हो जाएगा। अभी सिटी में नहीं है, हर एक तालुका का हाईवे बंद हो जाएगा। अगर 1 घंटे में इसका रिजल्ट नहीं दिया तो ईडी डिस्ट्रिक्ट बंद हो जाएगा। कल तो कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट पूरा बंद करेंगे, उसके बाद जेवरगी का हाईवे बंद हो जाएगा।